खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। मुआवजे को लेकर रैयतों ने उपायुक्त से लगाई गुहार, सौंपा ज्ञापन। हजारीबाग जिला के बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव व मुखिया बसंत साव के नेतृत्व में बरकट्टा व परबता के रैयतों ने डीसी के नाम से सीओ निर्मल सोरेन को ज्ञापन सौंपते हुए उपायुक्त हजारीबाग से मुआवजे को लेकर गुहार लगाई है। आपकी क्षेत्र की जनता त्राहिमाम है और अनेक बार गुहार लगाई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता को? इसके लिए देखिए, ये लगभग 2-2.5 वर्षों से यहाँ की जनता जो है बरकट्टा और परबत्ता दो मौजा है और दोनों मौजा में काफ़ी मतलब कि रैयत हैं और सभी रैयत जो है सो मतलब कि जितने भी संबंधित पदाधिकारी हैं, चाहे वो NHI के पदाधिकारी हो, चाहे भूवर्जन के पदाधिकारी हो, SDO साहब हो, DC साहब हो, अंचल के पदाधिकारी CO साहब हो, सबों के पास लिखित जो है सो इन लोगों ने जो सो कई बार जो है सो मतलब आवेदन दे चुके हैं, अपना बात को रख चुके हैं, लेकिन कहीं से इनकी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को और पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जब 2000 और 2001 में राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण का जब अधिग्रहण जमीन का किया जा रहा था, उस वक्त जो है सो बहुत सारे रैयत को ये कहा गया कि मैं आपका जमीन नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने जमीन NHI का जमीन में काम कर रहा हूँ। तो अभी कुछ जनता के द्वारा और जनप्रतिनिधि के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है 6 लेन चौड़ीकरण के मुआवजा मांग लेकर के, उस विषय में क्या कहेंगे सर? इसमें पूर्व विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा NH2 निर्माण संबंधी कुछ शिकायत की कुछ ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे हम लोग अपने उच्चाधिकारी को इससे अवगत कराएंगे और जो भी उनकी समस्या है उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। रैयतों ने उपायुक्त को लिखा है कि NHI के द्वारा NH2 पर 6 लेन चौड़ीकरण व फ्लाईओवर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें बरकट्टा व परबता के रैयतों को मुआवजे दिए बिना संवेदक के द्वारा बलपूर्वक कार्य किया जा रहा है। मुआवजे को लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों व वरीय अधिकारियों से पूर्व में भी गुहार लगाई है, परंतु आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आप लोग रैयतदार हैं यहाँ पर, अभी तक बहुत बार ऐसा सुनने में आया कि सिर्फ आश्वासन दिया गया है और अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इसके लिए अनेक बार भी आप लोग गुहार लगाए हैं, अब आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? आगे की रणनीति यही है कि हम लोग अब काम नहीं होने देंगे, क्या कि DC साहब के यहाँ भी, भूअर्जन में भी, SDO साहब यहाँ भी, अंचल में भी कई बार दे चुके हैं। हम लोग 2018 से ही प्रयासरत हैं, हर जगह अपने स्तर से जितना भी संभव हो सका सब जगह हमने लिखित एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, इसकी वजह से हम लोग लाचार होकर के हम लोग रोड पर बाध्य होकर के उतरे। पूर्व में सांसद से भी आप लोग शायद गुहार लगाए थे? गुहार लगाए थे जी, आज से 2-3 माह पूर्व आई थी मैडम, हम लोगों को आश्वासन दी थी कि 15 दिन के अंदर ये समाधान हो जाए, नहीं हुआ, आज तक अभी तक नहीं हुआ। आपका क्या कहना है सर? आप इसमें तो हम यही कहेंगे बंधु कि सारे पदाधिकारी को, उच्चाधिकारी को हम लोग लिखित के माध्यम से आज 2 वर्षों से सूचना दे रहे हैं और उन लोग आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कब तक झेलें? बरसात का पूरा पानी घर में घुस रहा है, सब व्यवसाय वर्ग के लोग बसे हुए रोड के किनारे, सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हम लोग घर से निकलते हैं सड़क पर पैर रखते हैं, कभी भी हम लोग के साथ जान माल का दुर्घटना हो सकता है। हम तो आग्रह यही करेंगे लोगों से कि हम लोग के साथ न्याय हो, अधिकार लोगों से हम लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं। अगर एक सप्ताह का अगर नहीं होता है तो हम लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ रोड पर उतरेंगे। हम लोग काम का विरोधी नहीं है, काम तो होना ही है, लेकिन हम लोग विरोधी है भाई कि हम लोग का सुरक्षा कैसे हो, हम लोग का मकान टूट रहा है तो हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलना चाहिए तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, हम लोग काम का विरोधी नहीं है।
वहीं रैयतों ने उपायुक्त से बरकटा व परबता मौजा के नामित रैयतों को जमीन व मकान की मापी कर मुआवजा देने, रोड में कार्य के पूर्व रोड के दोनों तरफ नाली व सर्विस रोड निर्माण, आम जनता की जान माल को देखते हुए सुरक्षा नियमों सुदृढ़ करना समेत 5 सूत्री मांग उपायुक्त से की है। मौके पर पूर्व विधायक जानकी यादव ने कहा कि एनएचआई रैयतों को अतिशीघ्र मुआवजा दे, अन्यथा बाध्य होकर रैयतों के सहयोग से आंदोलन किया जाएगा। अभी आप सीओ से मिले, किस संबंध में क्या बात हुई सर से? यहाँ एनएच में सड़क का जो 6 लाइन का निर्माण का कार्य हो रहा है, बरकट्ठा परबत्ता आनीपुरा सकरेज घंघरी से लेके घुरहट तक, उसमें विस्थापितों को आज तक उसके जमीन का, मकान का, दुकान का मुआवजा नहीं मिला है। कई बार यहाँ से लेके उच्च अधिकारियों तक यहाँ की जनता ने गुहार लगाई। बरकट्ठा परबत्ता में फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, नीचे में बरसात थोड़ा सा भी हो रहा है तो घरों में पानी घुस रहा है। ना सर्विस रोड का निर्माण हुआ है, ना ड्रेन का निर्माण हुआ है, ना मुआवजा मिला है। उसके बाद यहाँ के जो रैयत हैं, जिनका चाहे रैती जमीन जा रहा है, गैरमजरुआ जमीन जा रहा है, मकान दुकान जा रहा है, केसर हिंद में बने हुए मकान 100 वर्षों से जो कब्जा है उसमें बना हुआ जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनता अभी कोरोना को लेकर के चिंतित थी और कोरोना के महामारी में प्रशासन और जनता के सहयोग में यहाँ की जनता लगी हुई थी, लेकिन अब इतनी समस्या उसकी बढ़ गई, घर से निकलना उन लोगों को पानी पड़ रहा है तो जुलूम हो रहा है, तो उन लोगों ने फैसला लिया है और 2 दिनों से जन जागृति अभियान चलाया है कि अब जब तक हम लोगों को मुआवजा के लिए हम लोग कहीं अब उच्च अधिकारी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको बरकट्ठा के सरजमीन पर, परबत्ता के सरजमीन पर, घंघरी के सरजमीन पर, गोरहर के सरजमीन पर उच्च अधिकारियों को आना होगा और उसका जो उचित मुआवजा है उसको देना होगा और तभी यहाँ काम होगा। 1 सप्ताह के अंदर यदि वो इन जमीन को चिन्हित करके पिलर गाड़ के और इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया तो पूरे क्षेत्र की यहाँ की ग्रामीण जनता सड़क पर उतरने जा रही है और सारे कार्य को बंद कर देगी और इसकी सारी जिम्मेवारी वो पदाधिकारियों पर होगी। पूर्व की भांति इस बार भी अगर आश्वासन ही दे करके चुप लगाया जाए जैसे पहले किया गया है, उसके बाद क्या कदम उठाना चाहेंगे? आश्वासन पर जनता ने, यहाँ की जनता बहुत सीधे साधी है, भोली जनता है, आश्वासन बहुत आश्वासन दे चुका है, इसलिए अब जनता 1 सप्ताह के बाद 1 दिन का भी आश्वासन और समय नहीं देने जा रही है। वो रोड पर अब करो और मरो की स्थिति में आ गई है, या तो उसका मुआवजा दीजिए या नहीं तो काम को बंद कीजिए, ये निर्णय यहाँ की जनता ने ले लिया है। आश्वासन पर अब धोखे में नहीं पड़ने वाली है यहाँ जनता, यहाँ जनता बहुत धोखा खा चुकी है, इसलिए अब धोखा खाने के लिए नहीं तैयार है। वहीं मुखिया बसंत साहब ने कहा, लोगों को ठगा जा रहा है, रैयती जमीन वालों को भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इस बाबत सीओ निर्मल सोरेन ने कहा कि रैयतों की मांग उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौके अभी आप सीओ से मिले, किस संबंध में क्या बात हुई सर से? यहाँ एनएच में सड़क का जो 6 लाइन का निर्माण का कार्य हो रहा है, बरकट्ठा परबत्ता आनीपुरा सकरेज घंघरी से लेके घुरहट तक, उसमें विस्थापितों को आज तक उसके जमीन का, मकान का, दुकान का मुआवजा नहीं मिला है। कई बार यहाँ से लेके उच्च अधिकारियों तक यहाँ की जनता ने गुहार लगाई। बरकट्ठा परबत्ता में फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, नीचे में बरसात थोड़ा सा भी हो रहा है तो घरों में पानी घुस रहा है। ना सर्विस रोड का निर्माण हुआ है, ना ड्रेन का निर्माण हुआ है, ना मुआवजा मिला है। उसके बाद यहाँ के जो रैयत हैं, जिनका चाहे रैती जमीन जा रहा है, गैरमजरुआ जमीन जा रहा है, मकान दुकान जा रहा है, केसर हिंद में बने हुए मकान 100 वर्षों से जो कब्जा है उसमें बना हुआ जा रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनता अभी कोरोना को लेकर के चिंतित थी और कोरोना के महामारी में प्रशासन और जनता के सहयोग में यहाँ की जनता लगी हुई थी, लेकिन अब इतनी समस्या उसकी बढ़ गई, घर से निकलना उन लोगों को पानी पड़ रहा है तो जुलूम हो रहा है, तो उन लोगों ने फैसला लिया है और 2 दिनों से जन जागृति अभियान चलाया है
कि अब जब तक हम लोगों को मुआवजा के लिए हम लोग कहीं अब उच्च अधिकारी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको बरकट्ठा के सरजमीन पर, परबत्ता के सरजमीन पर, घंगरी के सरजमीन पर, गोरहर के सरजमीन पर उच्च अधिकारियों को आना होगा और उसका जो उचित मुआवजा है उसको देना होगा और तभी यहाँ काम होगा। एक सप्ताह के अंदर यदि वो इन जमीन को चिन्हित करके पिलर गाड़ के और इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया तो पूरे क्षेत्र की यहाँ की ग्रामीण जनता सड़क पर उतरने जा रही है और सारे कार्य को बंद कर देगी और इसकी सारी जिम्मेवारी वो पदाधिकारियों पर होगी। पूर्व की भांति इस बार भी अगर आश्वासन ही दे करके चुप लगाया जाए जैसे पहले किया गया है, उसके बाद क्या कदम उठाना चाहेंगे? आश्वासन पर जनता ने, यहाँ की जनता बहुत सीधे साधी है, भोली जनता है, आश्वासन बहुत आश्वासन दे चुका है, इसलिए अब जनता एक सप्ताह के बाद एक दिन का भी आश्वासन और समय नहीं देने जा रही है। वो रोड पर अब करो और मरो की स्थिति में आ गई है, या तो उसका मुआवजा दीजिए या नहीं तो काम को बंद कीजिए, ये निर्णय यहाँ की जनता ने ले लिया है। आश्वासन पर अब धोखे में नहीं पड़ने वाली है यहाँ जनता, यहाँ जनता बहुत धोखा खा चुकी है, इसलिए अब धोखा खाने के लिए नहीं तैयार है, अब काम को बंद करेगी और अपना मुआवजा लेगी। पर भाजपा नेता सह जीप सदस्य प्रतिनिधि केदार साव, अरुण मोदी, अशोक नायक, प्रकाश मोदी समेत अन्य लोग मौजूद थे।